ऐसा माना जाता है कि ईश्वर किसी से कुछ छीनता है तो बदले में उसे दोगुनी शक्ति दे देता है। ऐसा एक अजीबोगरीब उदाहरण सेगांव के समीप ग्राम चितावल में देखने को मिला कि 35 वर्षीय गरीब युवक टीलू, ये दोनों कान जिसके पूरी तरह से बंद है, वो सुनने का काम कान की जगह नाक से करता है। टीलू बताता है कि बचपन से ही मेरे दोनों कान बंद है और मैं नाक से सुनता हूँ। मैं मोबाइल भी चलाता हूँ, उससे भी नाक से ही सुनता हूँ। मेरा विवाह हो चुका है और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सभी का गुजारा खेतों में मजदूरी कर कर रहा हूँ और मेरा परिवार चाहता है कि शासन मेरा इलाज करवाए जिससे मैं कान से सुन सकूँ और मुझे आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। संजय से गाँव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? टीलो। कहाँ रहते हो? चितावल। चितावल रहते हो? आओ। क्या आप कहाँ से सुनते हो? यहाँ नाक से। आओ। कान आपके काम नहीं करते? काम नहीं करे। क्या करते हो आप काम? कहीं नहीं काम। कुछ काम नहीं कर रहे हो? आओ। तो आपको बचपन से सुन रहे हो नाक से? बचपन बचपन से। आओ। आपके शादी कर ली आपने? आओ। कितने बच्चे हैं? 3। 3 बच्चे। आओ। और आप शुरू से कान से ही सुन रहे हो? आओ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।